हाँ जी नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। आपने टैग तो देख ही लिया होगा कि क्या है ये जो योजनाएं हैं। और अभी एग्जाम जब होंगे तो कन्फर्म है कि जितनी भी कांग्रेस की योजनाएं चलाई गई है तो वो सरकार अपनी योजनाएं कन्फर्म पक्का ही पूछेगी। योजनाओं में ज्यादा अगर आप इतनी योजनाएं नहीं याद कर सकते, योजना किससे संबंधित और तारीख भी आप चाहते हो कि कौन नहीं बाबू जी, पांच कुछ है हमारे, तीन सही हो जाए, तो तीन गो तरीकों तो ये भी योजना और तारीख याद। अब मैं पांच पांच सात सात योजना करो एक साथ, वीडियो तो बहुत लंबा हो जाओ, मैं चाहूँ सागे सागे थे रटता जाओ। ऐसे थारी लिखे रही है, सारा थार का नोट्स है, मन भी पतो है, फिर भी कोई कर नहीं है, कोई आलसी मेंत्रियां बैठे हुए एग्जाम के सारा पढ़ना तो भी खा। देखो आज मैं पांच छह योजना कराऊंगा, कौन सी एक तो मैं कराऊंगा, सैफो कटारी है, एक तो मैं थाने निःशुल्क दवा दूंगा, फिर बोलिया के जब थे निःशुल्क दवा देने लग गया तो आ बताओ नहीं दवा सीधी दे देंगे या देख खेर कहला आ दवाई ले जा, दवा खातर जांच चाहिए। बोले ओ हो, फिर बोलिया का एक जांच योजना और चलाओ फोकटारी, निःशुल्क दवा योजना के बाद में चाली एक निःशुल्क जांच योजना। जब जांच ही फ्री होगी दवाई फ्री होगी, जब बोलिया पूरा राजस्थान तो निरोग हो तो जा रहे है, जब फिर एक चलाई कुर्सी निरोग राजस्थान अभियान। मैं अभी शॉर्ट में आपको तारीख बता रहा हूं, फिर हम डिटेल से इसको पढ़ेंगे, निरोग राजस्थान अभियान। ठीक है, पूरा राजस्थान निरोग होगा, फिर भी बोले अभी कोई कमी नहीं रहेगी। बोले काम करो तो अपने एक खाने पीने में थोड़ी सी सही कौन कर रहा, बोले काम करो तो फिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाओ। तो जब फिर चलायो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, लियो जी सब पहली पोत तो दी दवा फ्री, 2 साल बाद दे दी जांच फ्री। अब चलो तारीख लिख ही देता हूं, अभी ऊपर तारीख लिख रहा हूं, डिटेल नहीं लिख रहा अभी। जब मैं तैयारी कराया करता बी टेम भी मेरा ठीक है, निःशुल्क दवा योजना ये एक बहुत बड़ा कार्य किया था, प्रशंसनीय कार्य था हमारे मुख्यमंत्री का, दवा फ्री देना जो कभी जहांगीर ने भी ऐसा कार्य किया था, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। देखो दवा फ्री देना तो बहुत चर्चा में रहा था और आज तक इसको प्रश्न को पूछते जा रहे। जब डॉक्टर बोला दवाइयां थोड़ी ध्यान जांच और फ्री करो, जब 2 साल बाद जांच भी फ्री कर दी 2013, और यहां करता करता 100 क्यों फ्री हुए, जो 6 साल बाद में राजस्थान हो गया पूरा निरोग 2019। फिर बोलिया का शुद्ध हो गए और चेक कर लियो शुद्ध युद्ध, देखो शुद्ध में दो शब्द है, युद्ध में दो शब्द है, दो 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 आ रहा है, यानी 2020 में क्या चला शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। दो अपा और पढ़ा देखो, अब बोलिया पे 100 क्यों शुद्ध कर दियो, दवा शुद्ध कर दी, लोगा निरोग कर दिया, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला दियो, अब आगे बीमा कर दियो, क्योंकि बीमा यहाँ करी जाए कौन, बीमार की और की बीमा कर दे, मर जा खबर जा और रिपिया लागे बिना मतलब, तो बीमा खातर बोले अब बीमा कर दियो, कोई डरना रही बात को नहीं। तो 2021 में दो काम होगा, एक तो होगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अभी स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं आप, जब बोला साहब इतो तो ठीक है लेकिन कोरोना आयो जब बेरो पड़ियो के दवाई तो आपने घरे पड़ी है, आपा कोरोना सोचा कि डॉक्टर कोरोना को कोई दवाई खोजेगा, 1 साल तक वेट करियो कोरोना के बाद में, लेकिन दवाई तो आपने घरे पड़ी। जब बोला रे घरे ही पड़ी है दवाई, बोले भाई बांट दियो आपने, घर घर पौधा लगाने की योजना चला दियो, पौधा देने की वह योजना चलाई, जगह को नाम दियो आप घर घर औषधि योजना, क्योंकि कोरोना टाइम में बेरोजगारी हो लोग बीमा करवाओगा। फिर बोले नहीं करवाओ तो कोई बात नहीं, थे थाने 4-5 पौधा ध्यान घोट घोट के पीजो गर्मी कर लियो शरीर के अंदर, आ घर घर औषधि योजना, ए दोनों कोरोना के बाद में 2021 में चले। आ तो मैं थाने टावरों बताइए शॉर्ट ट्रिक सारी स्वास्थ्य योजना की, डिटेल भी पढ़ाऊंगा वहां एक एक उठाऊंगा। सबसे पहले 11 पे चलना है, 11 को दवा फ्री करी, 13 को जांच फ्री करी, 6 साल बाद से हो गया निरोगी, फिर बोले अब भी कोई बच गयो तो शुद्ध युद्ध 2-2 यानी 2020 में शुद्ध के लिए, फिर जी कोरोना आयो बोले रे बीमा करा लियो मरोगा से, तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और बी टेम ही बोले थारे घरे ही कोरोना की दवाई पड़ी है गिलोय तुलसी रुपये बा कर दी चल। ए तो है टावरों शॉर्ट में जकर थान फोकट में सीधो सीधो मेरू माथा बच्ची को नहीं। अब चलते हैं आगे, थारी सगड़ा लिखेड़ी नहीं लिखेड़ी स्क्रीन शॉट ले लियो कोई बात नहीं।
मुख्यमंत्री, अब एक एक योजना पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। देखो बोले स्वास्थ्य ज्यादा सही करना है मजदूरों, तो बोले मजदूर दिवस नहीं चालू करो 1 मई 2021। इसका उद्देश्य हर वर्ग को स्वास्थ्य, एक मिनट हो रहा है कि मैं थोड़ा सो क्यों रही इंगो, चलो ठीक है। हाँ इंगो उद्देश्य कि यह हर वर्ग ने के करना है, हर वर्ग तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचानी है। पहली इंगो बजट प्रति परिवार 5 लाख, बाद में फिर बजट बढ़ा गएंगो और प्रत्येक परिवार को बजट कर दियो के 10 लाख, 10 लाख और 5 लाख दुर्घटना के अंदर भी कवर कर दियो। और स्वास्थ्य कार्ड नहीं बने रहे तो कोई बात नहीं है, कलेक्टर ने जो पावर दे दिया, कलेक्टर ने ही खातर के कर दिए, अधिकृत कर दिए। अगर किसी के पास कार्ड नहीं है तो सब जगह मिलेगी ये, सरकारी और निजी अस्पतालों में सब जगह मिलेगी, भर्ती होने से 5 दिन पहले और परामर्श डिस्चार्ज के 15 दिन तक का चिकित्सा वे तक के अंदर थाने दे जाएगा। भगवान चाहो थे लो क्यों बीमार क्यों पड़ो, भी मैं तो चाहूँ स्वस्थ रहो, हटा कट्टा रहो, जवान रहो। सरकारी कर्मचारी उपा रहे तो सरकारी कर्मचारी खातर और घनी योजना आ रही है टावरों के बात है, आई कोई जरूरी थोड़ी है सरकारी योजना खातर, ठीक है। यानी सरकारी कर्मचारी इस योजना से क्या है बाहर। बजट 2022-23 में हेल्थ इंश्योरेंस राशि बढ़ाकर इसमें कितनी की थी, 10 लाख, पहले कितनी थी 5 लाख। कुछ जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है, बाकी टावरों आप ये बीमा करवा लियो। स्वास्थ्य कितना रुपया लगेगा, 850 रुपया। सर काम की चीज इंगमा के टावरो इम ओ बजट को प्रत्येक परिवार और इंपोर्टेंट बात है, था नॉलेज होना चाहिए कितना रुपया को थान करवाना है, वो नॉलेज होना चाहिए। और चिरंजीवी स्वास्थ्य, स्वास्थ्य को ध्यान रखना, मजदूरांगो मजदूर सब एक हो जाओ, यानी 1 मई और 1 कोई 2021 को बस के याद को ये बताओ, मन्नत ये बताओ कि थर के याद को ये। चलो नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे पता है कि इन योजनाओं को पता नहीं कितनी बार आपने कहीं यूट्यूब से पढ़ लिया होगा या खुद भी रट्टा मार मार के तैयार हो गया होगा। एक दिन नेक्स्ट दे मिटा दू, 2 नंबर निःशुल्क दवा योजना। कद चाली थान बताई पहली पोत वही काम करियो, कद गैलरी सरकार में बोलियो गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2011 निःशुल्क दवा योजना। लगभग 971 प्रकार की दवाएं हैं इनके अंदर, लेकिन इतनों थे याद कर लिया क्योंकि पुरानी होगी तो सिर्फ एक्चुअल तारीख तारीख। निःशुल्क दवा योजना बोले दवाओं काम पहुंचा ले, जांच और करो, निःशुल्क जांच योजना तो भी कोई योजना लागे 2 साल तो लाग ही गया, आ शुरू करी 7 अप्रैल 2013, 2 साल बाद 7 अप्रैल 2013। यह याद रखो, देखो हर आदमी में 13 प्रकार की तो जांच और 15 प्रकार की तो जांच हो रही है, 13 प्रकार का रोग हो रहे हैं। बीती थान याद है कि दवा के 2 साल बाद जांच शुरू करी, दवा 11 में जांच 13 में, तो 13 प्रकार का तो रोग जांच हो रही है, 15 प्रकार का रोग हो रहा है, का 15 प्रकार का रोग हो रहा है, 13 हरी मर्जी है। यानी इसमें कितनी जांचें हैं, लगभग 15 प्रकार की जांचें इसके अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कितने नंबर बता दिया, नेक्स्ट 3 नंबर निरोग राजस्थान अभियान। सीएम गहलोत ने ही इसे शुरू किया था, कब शुरू किया बताया, 6 साल बाद राजस्थान निरोग हो गयो, 18 दिसंबर 2019। क्यों को नहीं आता, पहली दवा बताइए 11 में, फिर 13 में जांच करिए, फिर 6 साल बाद राजस्थान हो गया निरोग, निरोग योजना 18 दिसंबर 2019 याद रह जैसी ये। चलो चलो अब जो की बड़ी इंपॉर्टेंट योजना आ रही है, न्यू पर्सन भी आयो, देखो कौन सी, घर घर वही लिखो है, घर घर औषधि योजना, बहुत बढ़िया
कद शुरू करी गई? आज की औषधि योजना है आ कोरोना में बाद में ही शुरू हुई, 1 अगस्त 2021। मुख्यमंत्री आपका आवास पर गिलोय को पौधो लगा के आ योजना शुरू करी। यूं तो प्रश्न सारा प्रश्न पूछा जा चुका है, कितना साल तक मैं थाने पौधा ही पौधा बांटांगा, कम से कम जब चालू ही करे तो पौधा बांटने टाइम लाओ 2021-26 तक 1 करोड़ 26 लाख परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। आ तारीख भी पूछ ली, तब 5 साल तो लाग गया, आरएसी भर्ती पंचवर्षीय योजना है तो इन तो लागेगा। आप तारीख पूछ ली, आप पूछ ली पौधा कौन सा पूछ लिया, प्रत्येक जने ने थाने 8 पौधा दिया जाओगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति को पौधे तो मिलेंगे 8, लेकिन पौधा कौन सा मिलेगा वो प्रश्न आयोग को निम्न में से इस योजना कौन सा पौधा नहीं दिया जाएगा, याद कर लेगा कितनी बड़ी बात है। देखो 2 पौधा तो याद करने की थाने कोई जरूरत है ही, वह 2 पौधा थारे घरे है तो थे कभी बीमार को नहीं थे, 1 के 47 की तरह चालू हुआ थे कौन सो हमारे हिंदू धर्म में यही है कि हर घर में तुलसी होनी चाहिए, तो फिर तुलसी तो ध्यान ही दांगा भाई। अर्जी कोरोनो आयोजित बेरोचालियों का बेल तो बड़ी काम की है, बाबू रामदेव बोले डरो ना, किलो गिलोय की बेल पी जाओ पी जाओ, टिक्की बे सूखा पत्ता खा जाओ पी जाओ, तो बोले दूसरो पौधो कौन सो दांगा फिर गिलोय, दोनों आराम याद हो जाएगा। तुलसी हर घर में, एक तुलसी मतलब 8 पौधों में 2 तुलसी का पौधा 2 गिला, लेकिन 4 पौधा है और दे जाएगा 8, यानी दो दो दे दिया, एक तुलसी हो गई 1 किलो। मैं बता दी तुलसी गिलोय थारा घरे है तो थे तो 1 के 47 की तिया चालोगा, ए और के बस हो गया, ए के यानी अश्वगंधा, तीसरो पौधो कौन सो अश्वगंधा, और चौथो पे तो के कालमेद, वो मेरे को देखो भाई बोलियो, अब बताओ क्या समस्या आई। 4 पौधा है, तुलसी है हर घर में है, कोई रटने झूठ को नहीं, आराम ना को लगा दियोगा, तुलसी के बाद में गिलोय, बाबा रामदेव कोरोना में गिलोय याद आई और की याद ही को नहीं, एज एनर्जी बूस्ट ने लोग सह भूल गया काम की चीज आई ही, तो गिलोय तुलसी दोनों घरे है तो 1 के 47 दिन काम करोगा के अश्वगंधा काल में। टारगेट क्या रखा गया है, 1 मिनट, टारगेट ये रखा है कि 5 साल में 210 करोड़ रुपये वे करके बाद 30 करोड़ ज्यादा यानी इतो वे करते हैं और भी वे करता जाऊंगा, 32 लाख किड्स तो वितरण कर दिया, बता मान तो कौन मिलियो कद करियो कद के राम जान। देखो पहलो चरण कौन सा, फर्स्ट चरण यह है 22 सितंबर से, 22 सितंबर 2021 से 32 लाख किड्स तो वितरण कर दिया, वो पहली है थाने बेटी का बापू भेरू ही गुंजा, लेकिन अपन को अपन के अपने के घड़ी लाग रही है तुलसी गिलो ये घड़ी है कोई चिंता, ठीक है चलो नेक्स्ट चलते हैं, वो याद रह जाओ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज याद रखनी है, कद कितना साल 4 बस, यार एकदम नॉर्मल है थे, माँ का ओ कराओ गुरुजी ओ कराओ गुरुजी ओ कराओ, लियो भाई ओ करवा दियो। अगलो कौन सो है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, कितना नंबर 5 है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, इंगी शुरुआत हुई शुद्ध युद्ध 20 यानी 26 अक्टूबर 2020। देखो खाद्य पदार्थ मिलावट बोलते हैं माओ घटिया रहे और अरे आप चीजा मिलावट नहीं हुए, लोग शुद्ध रहे तो भी खातर अभियान चलाए और दवाओं की भी इनमें सैंपल ले जाएगी, इनकी जिम्मेवारी के बाद जिला कलेक्टर नहीं दे रही है कि तेरा दी रही है, 6 विभाग इनमें काम करेगा, जिला प्रशासन हो जाएगा, पुलिस हो जाएगा, चिकित्सा विभाग हो जाएगा, रसद विभाग हो जाएगा और नाप वाओ नाप तोला वो विभाग हो जाएगा, डेयरी विभाग, 6 विभाग मिलकर इन काम करेगा कौन सो, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ये थे मैन 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 मैन, अब दो और पढ़ लेते हैं बाकी हम फिर कल पढ़ लेंगे। चलो देखो कुछ सामाजिक सुरक्षा संबंधित है, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, देखो एक नीति बनाई है राजस्थान, राजस्थान
सिलिकोसिस नीति। आ नीति टावरों आप अभी बनाई 2019 में। आ एक बीमारी है सिलिकोसिस जो महीन कोई काम करे नहीं, जिया पत्थर की खुदाई यार काम करे तो बिंगा मीन जगावे बे नाक के अंदर चले जा, या फिर मूर्तियां जो काम करे बिंगा अंदर चले जा, वो एक प्रकार को बांगे रोग हो जाए सिलिकोसिस। वो है जिया पत्थर कटाई यारो है और है ऊन की फैक्ट्री पर बांगे सिलिकोसिस एक रोग हो जाए, यानी सैंडस्टोन आरो काम करना रे बांगे वो राजस्थान सिलिकोसिस नीति। इनमा स्किनिंग में को उपचार करो जाओगे यानी स्किनिंग की जाएगी, प्रमाणिकता उन्होंने पुनर्वास रोगी को 3 लाख की सहायता दी जाएगी, 3 लाख सहायता। अगर मृत्यु होगी तो 10,000 खर्चों में 2 लाख परिवार में सहायता दी जाएगी, और पेंशन के रूप में अगर वो रोगी है तो बिन 1500 रुपया दिया जाए। और 2021 में और इन पर बहुत ज्यादा यानी टोटल अगर आप देखा 2021-22 में तो 100,25,00,000 वे करोगे खर्चो इन अंदर सिलिकोसिस। पेंशन के तौर पर 17 करोड़ रुपया दिया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लिया पुनर्वास संबंधित है। एक और पढ़ जा आतो टावरो बहुत इंपोर्टेंट है, आतो थाना हर स्टूडेंट ने बिरोना चाहिए। हर स्टूडेंट ने क्यों बिरोना चाहिए देखो, इंदिरा रसोई योजना, कोई भी भूखा नहीं सोएगा इस संकल्प के साथ। लेकिन स्टूडेंट की अवैध स्टूडेंट लाइफ इसी में चाह बनेगी तो दोबारा चाह जब तक नहीं बढ़ेगी, जब तक यानी कोप जब तक नहीं धोया जाओगा, जब तक दोबारा चाह नहीं बने तो स्टूडेंट को एक रूल हुए, स्टूडेंट शाम ने 7 बजे खानो बनाना चालू करे दिमाग में, और 12 बजे का दिमाग में खानो बने, लास्ट में भुजिया चाह पी गए सो जाओ। तो स्टूडेंटों के लिए तो आप बहुत ही काम की योजना है, जेब में घाल्या 8 रुपया गया सीधा। तो इंदिरा रसोई योजना तो बहुत काम की है, कद चलाई 20 अगस्त 2020, 13 नगर निकाय में लगभग आ योजना चली 20 अगस्त 2020 की। कौन करनो जेब में रुपया घालना है 8, बस सरकार बने 17 रुपया प्रत्येक थाली का दे, लेकिन थारकन 8 रुपया ही लिया जाओगा। 8 रुपया जेब में है तो टावरों भूखो कौन सुनो, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट लाइफ में इसी योजना को नहीं, स्टूडेंट का कोई श्रम संको को नहीं है, कोई स्वाभिमान को नहीं, जा गया 8 रुपया मारा उनका और मारू को बैठा दिया दबाना और कह दे गुरु जी खानो है, बताओ राज को राम को खाने में कोई आंट को नहीं है। 8 रुपया बस थारे जेब में होना चाहिए। प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ को प्रावधान है इंगमा। गुरु जी मीनू बताओ, ले बता देंगा इंगमा के मीनू, हाँ कितनी बड़ी बात है, ले मीनू इन के मीनू मीनू पढ़ दे। 100 ग्राम दाल गणी है, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम की रोट यानी चपाती, ऐसा गए अचार। अब बता जान लोगे टाइम और सुन ले, सुबह तो इंगो टाइम है 8:30 से 1 बजे, शाम को 5 से 8 बजे काम की चीज आए। आपन स्पेशल जीके खातर जरूरी को नहीं है, वो सब ने बेरो होना चाहिए, कोई भूखो नहीं सोगो। इंदिरा रसोई योजना कितना में 20 बस आगे की योजना है कते।